हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज जो नोटिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये RITS रिट्स में वैकेंसी निकली हुई है इंजीनियर्स के लिए, राइट। इसमें जो स्ट्रीम है इंजीनियर्स के लिए, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए है, बट रेस्ट ऑफ जो स्ट्रीम के लिए, जैसे CS, IT एंड डिफरेंट डिफरेंट जो भी रेस्ट ऑफ हैं, जितने भी स्ट्रीम हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के अलावा, उसके लिए तीन और नोटिफिकेशन वीडियो के लास्ट में आपको इस स्क्रीन पे मिल जाएगा, राइट। तो आप उसमें अप्लाई कीजिएगा, और जो है जो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में तीन वीडियो ज़रूर देखें, स्क्रीन पर मिलेगा। और सैलरी जो है करंट का इसमें 4.2 लाख पर एनम है इसमें, राइट। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका इसमें जो है रिटर्न एग्जामिनेशन भी होने वाला है, इंटरव्यू भी होने वाला है। अगर जिसके पास एक्सपीरियंस है तो उसका भी वेटेज काउंट होगा। तो 3 सिलेक्शन प्रोसेस है, 3 स्टेप्स में। एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनका जो है काउंट उसमें 0 हो जाएगा, राइट। उनको अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा इंटरव्यू में एंड रिटर्न एग्जामिनेशन में। तो इन तीनों के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एग्जामिनेशन फ़ी क्या है हम वो डिस्कस करेंगे, हाउ टू अप्लाई, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 170 के आसपास है, 170 वैकेंसीज हैं इंजीनियर्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, एवरी डे आपके पास मोबाइल पर मिलते रहे, राइट दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में। ये देखिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, ये है इंजीनियर्स सिविल के लिए वैकेंसीज हैं 50 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 30 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल के लिए 90 वैकेंसीज हैं, राइट। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ सकते हैं। इसमें जो है आपका मैक्सिमम एज 40 ईयर दिया गया है, राइट। और ये 40 ईयर 1 नवंबर 2020 तक कैलकुलेट होना चाहिए, राइट। इसके बेसिस पे एज आपका कैलकुलेट होगा। सिविल इंजीनियरिंग में जो है 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है, राइट। बीटेक बीएससी डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। दूसरा है कैंडिडेट शुड हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 2 ईयर इन कंस्ट्रक्शन सुपरविजन, राइट। कंस्ट्रक्शन सुपरविजन सिविल के लिए रखा गया है। इलेक्ट्रिकल के लिए जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। कैंडिडेट शुड हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर इन 1 और मोर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड सच एज जनरल इलेक्ट्रिफिकेशन, साइट सुपरविजन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक मैकेनिक एंड कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, राइट। तो ये सब में होना चाहिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल वाले के लिए। मैकेनिकल के लिए देखते हैं दोस्तों। मैकेनिकल के लिए देखिए इसमें दिया गया 2 ईयर का एक्सपीरियंस, और जो है इसमें क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन में 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। इसमें 60% मार्क्स मांगा है बीटेक में। अब जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका एक्सपीरियंस के बेस्ड पे 5% काउंट किया जाएगा। अगर 2 ईयर का है तो 5% ये हो गया। रिटर्न टेस्ट जो है 60% का होगा। जो रिटर्न टेस्ट होगा, सपोज दैट 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका अगर 70 मार्क्स आता है तो उसका 60% लिया जाएगा। इंटरव्यू 35% का होगा, राइट। इसमें जो है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इफिशेंसी 25%, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी 10%, राइट। तो ये 35% आपका इंटरव्यू होगा, राइट। अब देखिए इसमें जो है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, ये मिनिमम 50% मार्क्स जो है रिटर्न एग्जामिनेशन में SC जो है जनरल को लाना पड़ेगा, 60% मार्क्स जो है आपको इंटरव्यू में लाना पड़ेगा, राइट। तो उसके बाद जो है आपका जो इंटरव्यू होगा हिंदी और इंग्लिश में होगा, राइट। सैलरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, 35,152 रुपया पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा, प्लस अलाउंसेस यू विल गेट, राइट। जैसे 65% अलाउंसेस इन नॉन मेट्रो सिटीज़, राइट, 70% मेट्रो सिटीज़ और 75% जो है आपका मुंबई बेंगलोर वाले एरिया में हो जाएगा, राइट। मेडिकल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड PF 12% वुड बी बॉर्न बाय द कंपनी, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगा, राइट। अब उसके बाद हम देखते हैं एग्जामिनेशन फ़ी। जनरल और OBC के लिए 600 प्लस टैक्सेस, 18% GST, और आपका जो है इकोनॉमिक सेक्शन SC ST PWD
कैंडिडेट के लिए 300 प्लस टैक्सेस। ये है एग्जामिनेशन फी। अगर कोई डाउट है तो यू कैन इवन मेल दिस ईमेल आईडी एंड यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस लैंडलाइन नंबर, राइट दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन कोड मांगा है, जैसे आप लैंडलाइन पे कॉन्टैक्ट करोगे तो एक्सटेंशन नंबर मांगेगा, तो 13221 पे डायल कीजिएगा, तो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पर्सन से जो आपकी क्वेरी का आंसर करे डायरेक्ट उससे बात हो जाएगी, राइट। या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा, राइट। वेबसाइट है www.rits.com, यहाँ जाके आप अप्लाई करोगे, राइट। इसमें जो है जॉब, ये जो है एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली, गुड़गांव, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और नागपुर में होगा, राइट। आपका जो है रिटर्न के बाद आपका इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लास्ट डेट है आपका 26 नवंबर फॉर्म फिलिंग करने का। डेट ऑफ सिलेक्शन टू बी नोटिफाइड लेटर ऑन, राइट। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर रिटर्न एग्जामिनेशन इंटरव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो अभी आपको जो नोटिफिकेशन, ये तीन नोटिफिकेशन दिख रहा है, इस नोटिफिकेशन में जो है आप कोई भी बीटेक होल्डर हो, किसी भी स्ट्रीम से, सीएससी या फिर आईटी या बीटेक के रेस्ट ऑफ जो ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सब अप्लाई कर सकते हैं। सो आप इसमें भी अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस। थैंक यू दोस्तों।